रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। देखो, डिराइवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर एनपीआर, तो डिराइवेशन चाहिए नहीं, बस हम जस्ट जनरली बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो, कहाँ जा मेरा पेन? अरे अभी तो पेन था, अभी जस्ट मेरा हाथ में पेन था और अभी गायब हो गया। ओके, तो देखो क्या बोल रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था नंबर ऑफ वेज क्या होता है, अगर एन डिफरेंट थिंग्स आर एट ए टाइम लेगा तो नंबर ऑफ वेज क्या होता है, एन इन टू एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट 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 एन माइनस आर माइनस वन, ये पढ़ा था याद है, ठीक है। तो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट ए टाइम, तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा, ये कट आउट चेक कर लो, ठीक है। ये तो ऑलरेडी थ्योरम मिला था सबसे पहले, क्लियर। ओके, दिखाई दे देना स्क्रीन, ठीक हाँ भैया, है। हमको एक चीज बताओ, अगर एन के बाद एन माइनस वन आता है, एन माइनस वन के बाद एन माइनस टू आता है, तो जरा बताओ तो एन माइनस आर माइनस वन के बाद क्या आएगा? एन माइनस आर माइनस टू एन नहीं, माइनस आर एन माइनस आर उसके बाद, एन लिया। अच्छा वैसे, अच्छा एन माइनस आर प्लस वन मतलब बैकग्राउंड हाँ डिस्टरबेंस। हाँ हाँ रुक जाओ, हम एक पहला बार तो हम फॉर्मूला कर दो, ये एन माइनस आर प्लस वन था, ठीक है। अब व्योम सही था पहले, तो एन माइनस आर प्लस वन है, तो अब एन माइनस आर प्लस वन के बाद जब नेक्स्ट नंबर होगा उसमें माइनस वन होगा, यानी कि क्या बचेगा, एन माइनस आर। उसका बाद वाला में वापस माइनस वन होगा तो क्या बचेगा, एन माइनस आर माइनस वन। उसका बाद वाला में वापस माइनस वन होगा मतलब एन माइनस आर माइनस टू, कोई डाउट, समझ रहा है? तो हम क्या करेगा, देखो हम बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसका बाद वाला नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, देखो कैसे। एन माइनस आर प्लस वन, तो हम ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेगा, एन माइनस आर, कोई प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है। और एक क्या मल्टीप्लाई करेगा, फिर एन माइनस आर माइनस वन ऊपर नीचे। सिमिलरली एन माइनस आर माइनस टू और डॉट 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 करके पूरा थ्री टू वन तक मल्टीप्लाई करेगा, गुड आउट, क्लियर, चेक करो, समझा? तो तुम देख सकता न्यूमेरेटर में बन गया एन से लेके वन तक, यानी कि ये बन गया फैक्टोरियल एन, और डिनोमिनेटर में बन गया एन माइनस आर से वन तक, यानी कि बन गया फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है ना। उसका कुछ बोलता नहीं है आजकल, तुम कुछ हुआ है क्या, नहीं, मायूस मायूस कुछ ऐसा आजकल, तुम कम बोल रहे हो, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो इसी को सिंबलिकली हम लोग लिखते हैं एन पी आर। एन पी आर मतलब फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर परमुटेशन एट ए टाइम, ठीक है। तो ये बन गया मेरा एन पी आर का फॉर्मूला, गुड आउट, डन। जो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट से हम आर करके ले रहे हैं, आर डिफरेंट थिंग्स एट ए टाइम ले रहे हैं, गुड आउट। तो ये उतार लो, ये फॉर्मूला बन गया एन पी आर का, फटाफट उठा लो। होते ही बोलना, सर हाँ बुरा ना माने तो दोनों लेक्चर आज ही अपलोड कर देगा, हाँ कर देगा, हाँ बोला आज ही क्लास के बाद। हाँ हम अपलोड में ठीक डाल है, देगा, हम जाते हैं फिर, हम नहीं समझ में आ रहा। क्या नहीं समझे, नॉर्मल
पॉज करने दो हमको। अब देखो बेसिक, अच्छा हम स्ट्रेट लाइंस ऑलरेडी अप्लाइड मैथ्स को करवा रहा है स्टार्टिंग से ही, तो तुम लोग को लगता है किसी को डाउट है तो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। भैया कब से स्टार्ट होगा या हो गया? कल तो क्लास 10 वाला कॉन्सेप्ट ही करवाया था, मेन क्लास कल से होगा, सैटरडे कल है। आप लिंक भेज देना, सेम लिंक ही है शायद, सेम टाइम सेम लिंक। तो हम लोग बोले हाँ सेम ही है, दोनों का सिलेबस सेम ही है, स्ट्रेट लाइन का अलग क्या होगा? नहीं नहीं लिंक लिंक, हाँ लिंक वही है, तो देख लेना स्वयं अनुष्का या व्योम जो भी है। अच्छा भैया एक चीज पूछना है मेरे को। हाँ बोलो। आप कभी भी अपने से मीटिंग जो होता है वो दिखाता है उसमें वीडियो में कभी भी? हाँ हो जाता होगा शो, क्यों नहीं? तो आप तो बोल दिया वो लिंक, तो उसमें तो आ ही जाएगा नीचे। और मीटिंग लिंक का, लिंक का मतलब लिंक का वो हेरी XEI XRJC वो आप बोल ही दो, कोई अगर देख लिया गलती से आपका वीडियो, ज्वाइन आएगा तो हमको पता तो चलेगा कोई ज्वाइन हुआ नहीं हुआ। अब तो NC1 का वैल्यू देखो क्या लिखेगा, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस वन, आर का जगह वन है। अब एन को क्या लिख सकता है, एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, हम रिपीट कर देता है क्यों फॉर स्वयं। फैक्टोरियल सिक्स होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, हम सिर्फ 5 से देखेगा 1 तक, तो ये क्या बनेगा, फैक्टोरियल 5 बनेगा स्वयं, तो हो गया ना 6 फैक्टोरियल 5 को डाउट नहीं समझ। सिमिलरली n के बाद अगर जाएगा तो n के बाद n माइनस 1 से 1 तक जाएगा, तो उतना नहीं लिखने से बेहतर हम सीधा फैक्टोरियल n माइनस 1 लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 ये तो कर दिया, तो बचा n। तो ऑब्वियस बात है अगर तुम 10 ऑब्जेक्ट है उसमें से सिर्फ एक उठाना है तो 10 तरीका ही तो है, 10 ही ऑप्शन अवेलेबल है ना तुम्हारे पास। मालूम तू बोल रहा है 10 बुक्स अवेलेबल है, अलग अलग बुक्स, तुमको एक बुक्स उठाना है, कितना तरीका होगा, कितना ऑप्शन है, 10 ही ऑप्शन है एक बुक उठाने के लिए, तो यानी कि 10 वेज उठा सकता है, कोई डाउट? तो बस 10 ऑप्शन बचेगा, कहने का मतलब वही है 10 बुक में से अगर एक बुक उठाना है तो वह सिर्फ 10 ऑप्शन है, कोई डाउट? तो यानी कि 10 नहीं पी 1 इक्वल टू 10, तो वही फॉर्मूला बन गया एन पी 1 इक्वल टू एन, कोई डाउट ना? कुछ होगा तो पूछ लो सर, हम ये समझा नहीं, ये मत बोलो जी सर हम अटेंड नहीं करेगा, समझ नहीं आ रहा, हम डिटेल बता देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है डिटेल बताने में। ठीक है सर सॉरी। नंबर टू देखो, एन सी जीरो क्या बनेगा, फैक्टोरियल एन बाय एन माइनस जीरो, क्या बन गई ये एन माइनस बाय फैक्टोरियल एन इक्वल टू क्या बनेगा, वन, मतलब एन ऑब्जेक्ट से कुछ भी नहीं उठा रहा है तो वो ओवरऑल वन ही बचा, एक ही तरीका है, नहीं उठाने का मतलब नहीं उठा रहा, वही वन वे, तुम उठा ही नहीं रहे, डन डन। एन सी एन में आओ, फैक्टोरियल एन बाय एन माइनस एन, उसको छोड़ पहले मैं बता रहा क्या बोला था, हाँ देखो वो 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है अच्छे से सुना भी हूँ, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और तुम उसको 10 हाँ 10 ही उठाना चाहता है, कितना तरीका से उठा सकता है, तो पहला प्लेस में 10 वेज, याद रखना रिपीटेशन अलाउड नहीं है। दूसरा प्लेस अब जो 10 में से एक उठा लिया तो सेकंड प्लेस में 9 वेज, फिर 8 वेज, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, हाँ या ना, ठीक है व्योम? हाँ। यानी कि 10 ऑब्जेक्ट से तुम 10 ही उठाना चाहता है, कितना वेज होगा, फैक्टोरियल 10 होगा, हाँ। तो यानी क्या बोल सकता है 10 पी 10 इक्वल टू फैक्टोरियल 10। पर भैया एक चीज बताओ, हाँ बोलो, अगर हम लोग लिखेगा 10 सी ये क्या होता है, हाँ 10 सी 10, हाँ तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10 फैक्टोरियल होगा, हाँ 10 माइनस 10 फैक्टोरियल तो 0 हो गया, और हाँ वो 0 फैक्टोरियल 1 कैसे हुआ उस दिन आप बताया नहीं, इसमें आ रहा ना इसलिए तुम्हें बताया, तुम ये समझ गया ये क्यों हुआ, कौन सा 10 पी 10 फैक्टोरियल 10 होगा, हाँ वही तो वो 0 फैक्टोरियल 1 कैसे हुआ वो समझ गया, वो छोड़ो ये जो लॉजिक से हम समझाया वो समझा, हाँ हाँ वो तो समझ गया, तो यहाँ से हम जनरलाइज कर सकते हैं एन पी एन क्या होगा, क्या होगा फैक्टोरियल एन, हाँ गुड आउट नहीं नहीं ठीक है ना अनुष्का,
हम आ रहा है फैक्टोरियल जीरो पे आ रहा है, तो हम यहाँ से क्या फॉर्मूला लिखेगा जो एन पी एन क्या है, फैक्टोरियल है टेन, सॉरी फैक्टोरियल एन नंबर एन एन फोर, फैक्टोरियल जीरो इक्वल टू वन कैसे डिराइव करेगा देखो, वी नो एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर इम्प्लाइज एन पी, आर का जगह हम एन लेगा क्या बनेगा, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल जीरो ब्रैकेट में लिख देना इफ एन इक्वल टू आर, कोई डाउट लिख सकता है, हाँ बट एन पी एन क्या है फैक्टोरियल एन है, फैक्टोरियल एन कट गया तो क्या बचा फैक्टोरियल जीरो इक्वल टू वन, खत्म हो गया डिराइव्ड, समझा, अगर डिराइव करने देता है ऐसे ही करना है, इसका कुछ लॉजिक सा नहीं नहीं लग है रहा पर वो, देखने हाँ में। ऑब्वियसली लॉजिक नहीं है, मतलब देखो कुछ कुछ चीजें जिसको मानना पड़ता है, क्योंकि हमको जब पता है जब फैक्टोरियल जीरो को सर वन ये तो मानने वही से, कहानी वेट हो वेट, गया। जब हमको पता है फैक्टोरियल जीरो को वन मानने से पूरा सिचुएशन बैलेंस बन रहा है, बैलेंस हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है, जब तुम्हारा काम बन रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, सर ये तो इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, लेट रूट टू बी रेशनल, हाँ तो वन को वो वन टू को रेशनल टू प्रूफ कोई करो, इंसान बना के नहीं गया ना, वो तो हम लोग नेचुरल नंबर क्यों मानता है, हो गया अब कैसे हुआ किसको पता, उसी टाइप का सवाल है तो। अब तुम ये बोलेगा क्या ब्लैक होल क्यों फॉर्म हुआ, ब्लैक होल से क्यों पूरा दुनिया बना, जब बनना था बन गया ना, वो मान के ही चल रहा है ना इंसान, प्रूफ क्यों करना है उसको फिर? अरे प्रूफ वो हम तुमको बताया कि हमको एन पी एन को फैक्टोरियल एन बनाने के लिए हमको फैक्टोरियल जीरो को वन मानना पड़ रहा है, तभी ये एन पी एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन साबित होगा वरना नहीं ये होगा, पढ़ के ऐसा लग रहा है वो होता है ना माय होल काम लाइफ करो फॉर द डेरिवेटिव नाइट, जो है ना ये एक फॉर्मूला तरह से याद तुम रख लेगा बस सिंपल ये पढ़ेगा मान सकते हो, बेटा। ये एक तरह का एग्जम्पशन है तुम्हारा परमुटेशन वाला केस में, जो परमुटेशन पूरा इस एक छोटा सा लॉजिक पे डिपेंड कर रहा है, जब फैक्टोरियल जीरो को वन होना पड़ेगा, ठीक है ना, डेरिवेशन को हटा दो प्लीज, बेटर लग रहा है बिना तुम डेरिवेशन के, मत याद हो लिखो जाए। एग्जाम में प्रूफ देगा तो तुमको ये करना पड़ेगा, उपाय नहीं है हटा दो, रहने दो फिर, और सेवा में देता ही ये सब 2 मार्क 2 3 मार्क में दे देता है कभी कभी पता है, छोटा छोटा चीज़, तो इतना दयावान है क्या सेवा वाले? तुम उनका पेपर देखना तुमको पता चलेगा कितना दयावान है, क्लास 10 में तो पता था दया दिखाता है, इलेवन तुम ट्वेल्थ में भी दिखा रियलाइज नहीं देगा। करता, तुम्हारा स्कोर हो जाएगा अच्छे से पढ़ेगा ना तुम आराम से स्कोर कर सकेगा एनसीईआरटी से, 12th में करना है वो तो। जब करना कर लेना भाई तुम्हारा पेपर है तुम जानता है। सॉरी सॉरी अच्छा और एक चीज़ ऑब्वियस बात है, आर का वैल्यू कभी भी एन से बड़ा नहीं होगा है ना, यहाँ ऐड कर लो 0 <0 <r> आर लेस देन और इक्वल टू एन, आर या तो 0 होगा या तो एन का बराबर होगा या उसके बीच में होगा, पर एन से बड़ा कभी नहीं होगा, कोई डाउट, क्योंकि ऑब्वियस बात 10 चीज़ से तुम 11 चीज़ तो नहीं उठा सकेगा ना, डन ओके एक बार वापस बोलना, सुना नहीं। यही हमको तुम्हारा प्रॉब्लम लगता है पता है स्वयं, आर का वैल्यू कभी भी एन से बड़ा नहीं होगा, हमेशा एन या एन से छोटा होगा, अच्छा वो बोला क्या? ठीक जैसे हम बोलेगा 10P3 तो ये हमेशा 10 से छोटा है, हम ये नहीं बोल सकता 10P12 कि तुम्हारे पास है ही 10 चीज़, क्या तुम 10 से 12 उठा सकेगा, नहीं, बस वही कहानी है, गुड आउट, अच्छा जी है। तो तुम्हारे पास 10 अवेलेबल है तो तुम कितना उठाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10, उससे ज़्यादा तो नहीं उठा सकता, नहीं तो उठा 0 से सकता। एन का बीच वैल्यू होता है, गुड आउट क्लियर, अगर हम थोड़ा रूड हो हाँ रहा तो उसके लिए पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ, इट्स ओके सर, हमको आदत हो गई। और कुछ छोड़ दिया क्या, चलो ये देखो ये उतार ही लो तुम लोग सीधा पॉइंट नंबर 5 में, कोई बात नहीं थ्योरम नहीं लिखा, पॉइंट नंबर 5 बोल के उतार लो, क्या बोला है, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकिंग आर एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड एन पावर आर, वो जो एन पी आर था वो रिपीटेशन अलाउड नहीं था उसमें, याद रखना एन पी आर में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो जब रिपीटेशन अलाउ कर देगा तो एन पावर आर, क्यों एन इंटू एन इंटू डॉट 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 आर टाइम्स, हम एग्जाम्पल लेते हैं आर ओ एस सी रोज, हमको इसमें से 4 लेटर वर्ड बनाना है और रिपीटेशन अलाउड है, ओके तो 4 में से पहला प्लेस में अगर हमको चूज करना है, सर हाँ आप एनसीईआरटी दिखा रहे हैं क्या? हाँ ओ सॉरी, अच्छा अब दो आर ओ एस सी, हाँ तो पहला प्लेस में हम इस 4 लेटर्स में से कोई भी 4 बैठा सकते हैं, हाँ या ना, हाँ तो 4 वेज, मान लो यहाँ पे आर बैठा दिया
दैट डजेंट मीन जो सेकेंड में आर नहीं बैठ सकता, क्यों? क्वेश्चन बोला रिपीटेशन इज अलाउड, तो सेकेंड में भी चार वेज, थर्ड में भी चार वेज, सब में चार वेज, तो मतलब 4 × 4 × 4 और कितना बार आएगा, जितना बार ये प्लेस है यानी कि आर का वैल्यू, इसलिए देखो एन पावर आर, कोई डाउट? समझ गया, डिराइवेशन नहीं चाहिए, डोंट वरी। तो देखो वी आर सॉल्विंग सम प्रॉब्लम ऑफ प्रीवियस सेक्शन यूजिंग द फॉर्मूला एन पी आर, जैसे एग्जाम्पल वन में अब डायरेक्टली लिख सकता रहा हम लोग, उतना डिटेल लिखने का जरूरत नहीं है, अब सीधा हम लोग डायरेक्टली लिख सकेगा, जो 10 में से हम लोग को 3 निकालने दिया, सीधा 10P3 करो, लिखना नहीं चाहिए फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, गो डाउट? समझ गया? हाँ, जब क्राइटेरिया आ जाएगा ना, जैसे इवन नंबर ऑड नंबर है, तो पहले वो इवन नंबर का क्राइटेरिया फुलफिल करना, फिर बाकी बचा हुआ के लिए वापस फॉर्मूलेशन लगा देना, आएगा वैसा क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई डाउट? अब का देख लो, ठीक है ना अनुष्का? हेलो अनुष्का, अनुष्का नहीं है मीटिंग में, कब गई, कब गई? अभी अभी, यस। अच्छा चलो आ जाइए, तो ये उतार लिया ना ये वाला स्टेटमेंट, खाली ये लाइन, और तो इस लाइन उतार रहे हैं, हाँ ये लाइन उतार लो खाली, द नंबर ऑफ परमुटेशन, पॉइंट नंबर 5 देखो, उतार लो, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकिंग आर एट टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड इज एन पावर आर, और व्योम आ भी है, म्यूचुअल फंड ये सब में इन्वेस्ट करता नहीं करता? नहीं भैया। क्यों? अभी पप्पा मना किया है। और किसी को पैसा वैसा उधार देना, ब्याज लेना? हाँ वो सब कर रहे हैं। अच्छा कितना में ब्याज, कितना ब्याज? अच्छा रुको रिकॉर्डिंग ऑफ करता है, रुको रिकॉर्डिंग ऑफ करता है। अब देखो, अब हम लोग पढ़ने वाला है परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब तक हम लोग पढ़ा जहाँ पे सारा ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, हम जो 10 ऑब्जेक्ट दिया एन का वैल्यू वो सब डिस्टिंक्ट था, तो व्हाट अबाउट अगर डिस्टिंक्ट ना हो, जैसे कि देखो लेटर रूट, यहाँ पे क्या दिया, रूट आर डबल ओ टी, ठीक है ना, इससे क्या बन सकता है, आर ओ टी ओ बन सकता है ना, बन सकता है? अब तुम देखो, अगर हम तुमको ऐसा देता, चलो यहीं का लेता है, आर ओ वन ओ टू टी, इसका मतलब क्या, अगर हम आर ओ वन टी ओ ओ टू बना सकता है ये वर्ड, कोई प्रॉब्लम है? हाय ना, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ। तो क्या हम ये वर्ड बना सकते हैं आर ओ वन टी ओ टू, पर हम ये भी बना सकते हैं आर ओ टू टी ओ वन, हाय ना, और अगर ओ वन ओ टू अलग है तो ये दो वर्ड भी डिस्टिंक्ट है, हाँ ना, बट अगर ओ वन और ओ टू सेम है यानी कि ओ है, तो ये दो वर्ड सेम हो जाता है, देखो, तो यानी कि जब डिजिट्स रिपीट हो जाता है या कोई भी नंबर रिपीट हो जाता है तो दो डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट सेम बन जाता है, यानी कि दो बार सेम ही रिपीट हो जाता है जिसको हमको हटाना ज़रूरी है, तो यानी आर ओ वन ओ टू टी या फिर आर ओ टू ओ वन टी, इस एग्जाम्पल के हिसाब से ये एक ही वर्ड है तो हम दो बार क्यों लिखें, क्योंकि वो तो सेम है, उसको हटाना ज़रूरी है, ठीक है? अब दो तो ये ओ और ये ओ, मान लो ओ वन ओ टू होता तो ये आपस में दो वेज में अरेंज ही होता, तो सिंस दो वेज में अरेंज होता तो दो वर्ड बनता, पर नहीं बन रहा है इसलिए डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल टू, यानी कि जब रिपीट होता है तो हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं भैया। हाँ हम आपको एक क्लास का वीडियो देख लेगा। हाँ ठीक है, वैसे हमको भी बोलना तब तो, बट हम नहीं बोलेंगे। मिसिसिपी वर्ड दिख रहा है? हाँ। कितना अल्फाबेट है इसमें? 10 है, तो लॉजिकली कितना वेज में अरेंज होगा? 10 वर्ड से पूरा का पूरा 10 ही लेगा ना, तो 10P10 फैक्टोरियल 10 होता, कुड़ाओ? हाँ। बट तुम देख सकते हो S चार बार है, हाँ या ना? हाँ। तो अगर ये S चार बार है तो इससे फैक्टोरियल 4 अलग वर्ड्स बन सकता था, पर नहीं बनेगा बिकॉज सेम है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4। फिर आई भी देखो, आई कितना बार, आई भी है तो फैक्टर 4 और इनटू करो, वापस फैक्टर 4 से डिवाइड होगा, और कोई रिपीट हो रहा है? नहीं नहीं हो रहा, तो ये फाइनल आंसर होगा जो भी आएगा, समझ रहा है? गुड आउट। नहीं, एक और एग्जांपल जिसमें रिपीट होता बताओ, मैथमेटिक्स,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। तो अब सब आता है 11 अल्फ़ाबेट है तो 11 बेस, फैक्टोरियल 11 बेस। अब जो ए दो बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 2, टी दो बार हो रहा है तो फैक्टोरियल 2, और कोई रिपीट हो रहा है दो बार, एम फैक्टोरियल 2। आई डोंट थिंक सो और कोई रिपीट हो रहा है, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। कोई डाउट? ठीक है व्यूम। हेलो हाँ भैया, तो वही दिखाया देखो, वन और टू का वजह से कितना वर्ड्स बन रहा था, तो सब वर्ड्स को हटाना पड़ेगा जो रिपीट हो रहा है। डन। हाँ तो ये वही एग्जांपल, और कुछ नहीं। तो यहाँ देखो क्या लिया, एक और एग्जांपल लिया इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट में 9 अल्फ़ाबेट है तो कितना होगा फैक्टोरियल 9, कोई प्रॉब्लम? डिवाइडेड बाय, अब देखो आई कितना बार आ रहा है, एक दो दो बार आ रहा है, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। एन कितना बार सच्ची नहीं आ रहा है? बोले हाँ स्क्रीन नहीं दिख रहा। पहले बोल दिया करो। फिर टी कितना बार आ रहा है, एक बार दो बार तीन बार, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। गुड आउट, क्लियर? ओके थोड़ा सा जूम इन करके रखो। अरे वैसे जब लिखता है तो उतना जूम आउट से दिखाई नहीं देता। समझ गया समझ गया। इसमें से उतना उतारना नहीं है, सीधा ये उतारो जा। अगर एन ऑब्जेक्ट्स है और पी ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहा है तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल पी। ठीक है ना, ये थ्योरम फोर उतारना नहीं है, तुम लोग समझ ही गया होगा, जो जो रिपीट होगा वो लिखना है, तो ये उतारने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट? खाली ये देख लो, अगर एन ऑब्जेक्ट्स है और पी ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहा है सेम काइंड का है तो हम लोग फैक्टोरियल पी से डिवाइड करेगा। कोई डाउट? क्लियर, समझ गया? हाँ सर। तो एग्जाम्पल लाइन देखो, लिखने का तरीका बता रहा है। एक नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, अगला बार में काउंट करूँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल टू 9। अब रिपीट देखो, तो नंबर ऑफ एस कितना ए है, 4। नंबर ऑफ एल्स कितना है, एक दो दो, और कुछ है? और तो कुछ नहीं है, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या होगा, फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 4 डॉट फैक्टोरियल 2। गुड आउट। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 डॉट फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 4 कट गया, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 ही होता है, 2 1 जा 2 3 जा, अब मल्टीप्लाई करो जो आंसर आएगा वही है, चेक करो। कोई डाउट? समझा लिखने का तरीका? ओके डन। रुको अब दो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10, सेम कहानी। क्या बोला देखो, हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर कैन बी यूज बाई यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। 1 to 9 बोला और 4 डिजिट नंबर चाहिए, ठीक है, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, तो डायरेक्ट है 1 सेलेक्ट 9 नंबर है, तुमको 4 डिजिट नंबर बनाना है, कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि 0 भी नहीं है, तो 9P4 कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके हेलो। हाँ भैया, तो इसे ऐसे नहीं लिखना है, वंस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, टेंथ प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, 100 प्लेस नहीं लिखना है, समझ गया? हाँ जो हम लोग लास्ट टाइम लिखा था सेम क्वेश्चन है, बस फर्क है डायरेक्ट प्रमोशन लगाएगा, तो तुमको डिटेल नहीं लिखना है, ये समझ, ये भी मत लिखना, सीधा लिखना नंबर नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द यूजिंग 9 डिजिट्स, ब्रैकेट में लिख देना रिपीटेशन नॉट अलाउड इज 9P4। गुड आउट, सकेगा? अच्छा भैया एक चीज पूछना है, हाँ ये जो आंसर है मेन आंसर हमेशा निकालना जरूरी होता है क्या? हाँ 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 हाँ
मान लो अभी 19 का फैक्टोरियल दे दिया, उतना नहीं चाहिए, जब बहुत हाई हो जाता तब नहीं चाहिए। हाँ वही तो पूछ रहे, तो 19, 55, जैसे ये 51 ऐसा 21 भी नहीं चाहिए, डोंट वरी, वो सब फैक्टोरियल में रखने से चलेगा, कितना के ऊपर आने से वो कंसिडरेबल होता है कि वो हाँ भाई इसके ऊपर है तो तुमको नहीं रहे करते करते तो। पता चल जाएगा। देखो कंप्लीट होने से तुमको पता चल जाएगा कहाँ पे रखना कहाँ पे नहीं रखना, ठीक है? तो एग्जाम्पल 10 समझ गया, डायरेक्ट था, ठीक है हाँ ना? अब मान लो इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा है, एग्जाम्पल 10 स्टार लिखना, और हम 1 to 10 नहीं 0 to 10 ले रहे हैं, 0 to 9 ले रहे हैं, सॉरी 1 to 9 नहीं 0 to 9 ले रहे हैं, ठीक है ना? अब बताओ एक्सेप्शन क्या आएगा, क्या हम अभी डायरेक्टली 9P4 लिख सकता है? क्या हम अभी डायरेक्टली 9P4 लिख सकता है? देखिए लोगों, क्या क्या एक्सेप्शन क्या वो क्या है? हम चेंज कर दिया 1 to 9 का जगह 0 to 9, हाँ अब क्या हम डायरेक्टली 9P4 लिख सकता है, सॉरी 10P4 लिख सकता है? नहीं, क्यों? फोर डिजिट नंबर है ना, तो मतलब पहला डिजिट में जीरो नहीं आ सकता। एग्जैक्टली। अब सिंस 4 डिजिट नंबर है तो पहला में तो जीरो नहीं लिख सकता, पहला में जीरो लिखते ये क्या बन जाएगा, 3 डिजिट नंबर, कोई डाउट? नाइन इंटू 9C3 तो होगा। यानी कि तुमको पहला प्लेस, यानी कि 1, 10, 100, 1000, 1000 प्लेस को जीरो को हटा के बाकी नंबर से रिप्लेस करना पड़ेगा। जीरो, हाँ नाइन सी नाइन इंटू नाइन हाँ ठीक है, सी जीरो थ्री हट गया तो कितना वेज हुआ, 9 वेज हुआ, हाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके हम जीरो को छोड़ दिया तो इसमें से एक उठा के यहाँ पटक दिया, कोई डाउट? मान लो हम 2 को हटाया है, मान लो हम 2 को हटाया है, अब 0 तो आ सकता ना बाकी जगह, तो कितना बचेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 3 जगह है, तो कितना वेज होगा, नाइन सी थ्री तो फाइनल नाइन आंसर पी होगा नाइन थ्री इंटू 9P3। समझ गया, हाँ कोई डाउट? नहीं तो कैसे लिखिएगा बताओ, लिखो सिंस 0 कैन नॉट बी ठीक प्लेस्ड, है, एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा बोर्ड वाले एग्जाम में। हाँ इन 1000 प्लेस वैल्यू, बहुत समस्या है। सो इट कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। खत्म। अच्छा भैया नाउ पहले लिख लेता, हाँ द रिमेनिंग 3 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय द रिमेनिंग 9 नंबर, समझे ना? नाइन नंबर्स इन 9P3 वेज। ये एग्जाम्पल 10 स्टार्ट देना रे, लिख देना ब्रैकेट में 0 to 9 लिया है, ऐसे लिख देना, पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना। सो रिक्वायर्ड नंबर वेज क्या आएगा, नाइन इंटू 9P3। सो 9 इंटू फैक्टोरियल 9 बाय 9 माइनस 3 कितना होता है, फैक्टोरियल 6, तो ऑब्जर्व कर लो। अच्छा और एक चीज़ हम तुमको बताता है, हाँ एक और ट्रिक बताता है, NP3 लिखने जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुका है। 9P3 क्या होगा, देखो 9 से स्टार्ट करो, 9 इंटू 8 इंटू 7, तुमको बस 3 बार ही जाना है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे 3 था, यानी कि नीचे जो भी आर का जो वैल्यू है तुमको उतना ही मल्टीपल तक जाना है, समझ गया? हम रिपीट करें, ये लिखना है क्या भैया? हाँ ये तो लिखना, आंसर उतारो, ये मत लिखो, ये हम समझा रहा है। अगर हम ये लिखता 10P4, मतलब 10 से लेकर 4 बार तक जाना, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये हो गया परमुटेशन लिखने का ट्रिक, डायरेक्टली तुमको फॉर्मूला अप्लाई करना ही नहीं है, समझ गया? हाँ हम लोग डायरेक्टली लिख सकता है, अगर 10P4 है तो 10 से 4 बार तक मल्टीपल जाओ, 9P3 है तो 9 से 3 बार तक जाओ, कोई ये तो डाउट? डायरेक्ट कर सकते हैं ना, या इसको भी दिखाना पड़ेगा, किसको? ये जो 3 लिख दिया डायरेक्ट, हाँ वही हम भी तो डायरेक्ट लिख रहे, देखो अब लिख सकते हैं ना, पता हाँ चला हाँ बोर्ड पे ये हाँ ऐसे भी लिख लिख सकता है, बोर्ड पे सकता भी है। लिख सकता है, डोंट वरी लिख सकता है, गुड आउट। अब अच्छा भैया मल्टीपल ये चैप्टर मतलब 12th में रहेगा क्या नहीं 12 में नहीं है, पर यूज़ होगा इसका? डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी हाँ में, यूज़ होगा प्रोबेबिलिटी में,
हम सोचा था कि ये ना अभी तो स्कूल वाला ऐसे ही दे देगा इसमें बिना स्टेटमेंट लिखे। नहीं लिखो, थोड़ा मोड़ा तो लिख दो यार, तुमको मार्क्स ही नहीं देगा फिर अगर तुम डायरेक्ट लिखेगा तो। थोड़ा लिखने का तरीका रखो, भले वो चैप्टर बोर्ड में आ रहा ना, लिखने का तरीका रहेगा तो तुमको कोई भी चैप्टर हो तो तुम लिखने सकेगा। यहाँ लिखने का ये नीचे ये चैप्टर नहीं आ रहा तो इसका लिखने का तरीका नहीं देखेगा, यहाँ पे वो मेन एम नहीं है। तुम कोई भी चैप्टर अगर लिखने का तरीका सक रहा है तो अननोन चैप्टर भी तुम लिखने का तरीका सकेगा बोर्ड में। तो मुद्दा वो है, मुद्दा तुम्हारा सीखना है लिखना कैसे है, ना कि ये नीचे ये चैप्टर कैसे लिखना है। तो वो मत करो, वो अवॉइड मत करो। अच्छा भैया एक बार ऊपर का थोड़ा दिखा देना, सिंग जीरो आई कैन नॉट सिंग बी प्लेस इन 1000 प्लेस सो इट कैन बी फिल्ड इन जीरो 9 वेज। गुड आउट कैन नॉट इन प्लेस। 10 माइनस 1 9 लिखना रे, वैसे लिखना कि 10 में से हट गया ना। 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 वेज। गुड आउट सो डन। नाउ द रिमेनिंग 3 प्लेसेस 1000 चला गया, 100 टेंस वंस कैन बी फिल्ड बाय द रिमेनिंग 9 नंबर्स इन 9p3 वेज। गुड आउट, नहीं उतार ले सब हाँ पक्का। हाँ ओके एग्जाम्पल 11 हो, क्या बोला, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके अब बताओ 100 और 1000 का बीच में कितना डिजिट का नंबर होता है। 100 और 1000 के बीच में तो 3 डिजिट नंबर होते हैं। गुड आउट, तो हमको क्या फॉर्म करना है, 3 डिजिट नंबर। गुड आउट, तो इसमें हम लोग को है ना 100 इंक्लूड और ये 1000 इंक्लूड करना है। 1000 इंक्लूड नहीं करना, 3 डिजिट नंबर है ना, एक दो नहीं तीन, तो क्या 100 प्लेस में 0 आएगा, नहीं मतलब हम लोग को 100 और 1000 इंक्लूड करना है। क्या बोल रहे तुम। 100 और 1000 के नहीं बीच में नहीं नहीं पूछा है ना, करना, नहीं करना, नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना। तो लास्ट में -1 भी आएगा। क्या आएगा लास्ट में -1 करना पड़ेगा क्योंकि अगर 3 डिजिट किया तो वो 100 भी इंक्लूड हो जाएगा ना। बोल ही देना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो कैसे 100 इंक्लूड होगा, 100 में तो 0 रिपीट हो गया ना। अच्छा रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन होता तो माइनस करता, हाँ ठीक है तुम चलो पॉइंट अच्छा उठाया, वेरी गुड, अच्छा लगा हमको। पर सिंस रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 100 ऐसे भी नहीं आएगा, हम यहीं पे रिप्लेस कर रहे हैं। देखो हमको ज़्यादा लिखना नाइन नहीं पड़ेगा, सिंस 0 कैन नॉट बी प्लेस इन 100 प्लेस। सो इट कैन बी फिल्ड इन 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 वेज। गुड आउट, नाउ द रिमेनिंग 2 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय द रिमेनिंग 5 नंबर इन 5p2 वेज। सो रिक्वायर्ड फाइव नंबर ऑफ वेज क्या हुआ, बीस बीस 500। तो 5 × 5 × 4 100। देखो आंसर मैच कर रहा है, कर रहा है। ओ भाई ये लोग क्या किया, ये लोग कुछ ज्यादा लंबा नहीं कर दिया। अरे एग्जांपल भी दिया देखो ना 0 9 2 0 4 2। हाँ ठीक है, ये लोग थोड़ा लंबा कर दिया, कोई बात नहीं। ये लोग क्या किया पता है, इन लोगों ने पहले 0, हम इनका भी बता देता है, इन लोगों ने क्या किया पहले, इन्होंने 0 को इंक्लूड करके सारा नंबर निकाल लिया, कोई डाउट, हाँ और फिर 2 डिजिट नंबर निकाला सिर्फ। तो इस 3 डिजिट से 2 डिजिट नंबर को माइनस कर दिया, बिकॉज 0 वाला तो 2 डिजिट नंबर बना ना, हाँ तो 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 6p3, हाँ क्योंकि 0 इंक्लूड है। हाँ अब 0 को अगर सिर्फ 2 डिजिट नंबर लगा निकालता है, 0 को हटा दो तो क्या बनेगा, 5p2। गुड आउट, तो 6p3 से क्या किया है, 2 डिजिट को हटा दिया, क्लियर। मतलब 0 फिक्स करके ये जो भी बन रहा था इसको निकाल रहा है और माइनस कर रहा है, वही कर रहा है, तो 5p2 वेज। तो वो भी कर सकता तुम, फिर से हम रिपीट कर, 3 डिजिट नंबर लिया पहले, 0 0 कहीं भी बैठ सकता, मतलब ओवरऑल नंबर निकाल लिया, ख़त्म, 6p3 वेज। अब क्या कर रहा है, अब 0 अगर यहाँ फिक्स हो जाता है तो ये 2 डिजिट नंबर बनेगा, तो 0 फिक्स होने के बाद यहाँ कितना नंबर पॉसिबल है वो निकाला 5p2, और टोटल से ये 5p2 को माइनस कर दिया, जो तुम प्रेफर करता है दोनों सही है। ये तुम ऊपर वाला में भी कर सकता है, ठीक है ना, 4 डिजिट में भी कर सकता है। कैसे करता हम लोग, 10p4 माइनस 9p3, समझ गया, ये आता तो भी आंसर आ जाता, पर इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता देखा जाए तो, पर देख लो तुम्हारा चॉइस है। डन, हाँ
उतार लिया ये, थोड़ा हाँ कैलकुलेशन हो जाता फिर क्लास खत्म कर देगा टेंशन मतलब। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सच दैट एन पी 5 इक्वल टू 42 एन पी 3। बहुत अच्छा है। और देखो एग्जाम्पल नंबर कितना है, 12 था। एन पी क्या बोले बता दो तो? एन पी 5 इक्वल टू 42। अच्छा हम डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हमको मालूम है एन पी 5 तो एन से लेके 5 बार जाएगा, हाँ 3 बार 4 बार सॉरी ये 3 आएगा एन 5 बार फुट आउट। समझा ना क्या किया हम पूरा फॉर्मूला में ब्रेक नहीं किया, हमको ट्रिक यूज किया एन पी 5 मतलब एन से लेके 5 बार तक फुट आउट नहीं सेम 42। अच्छा भैया वैसे मेरे स्क्रीन दिख नहीं रहा है, बोल दिया करो रे एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 चेक करो एक बार, क्या किया हम फिर से रिपीट करता है। हम बोल रहा है एन पी 5 था मतलब एन से लेके 5 बार तक गया कोई डाउट, एन पी 3 था तो एन से लेके 3 बार, एक बार दो बार तीन बार कोई डाउट, एन एन कटा एन माइनस 1 एन माइनस 1 कटा एन माइनस 2 एन माइनस 2 कटा। तो देखो क्या बना एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 4 बना, और ऑब्वियस बात है क्या एन माइनस 3 एन माइनस 4 कंजुकेटिव है ना, और एन माइनस 3 बड़ा है तो हम 42 को भी ऐसे ब्रेक करते हैं 7 × 6 कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसे साफ पता चल रहा है तुमको, देखो क्वाड्रेटिक नहीं बनाना है ये ट्रिक है, जब कंजुगेटिव बन रहा है और अगर साइड वाला को भी तुम कंजुगेटिव फॉर्म में ला सकता है तो तुम यहाँ से सीधा लिख सकते हो देयरफॉर एन माइनस थ्री यार भैया हम पूरा बना लिया था इसको क्वाड्रेटिक से एन इक्वल टू 10 खत्म, इसको पूरा क्वाड्रेटिक से बना लिया था नहीं बनाना था ना वही बात है ये लोग। अच्छा मेरा क्वाड्रेटिक से आंसर अलग आ रहा है, आया ना एन इक्वल टू 10 मेरा भी वही आया, देखो कहाँ लगा आंसर आ रहा है चेक करो। हाँ एन इज इक्वल टू 10 आया, हाँ मेरा भी तो वही आया। ओ खत्म ना, तो ये ध्यान रखना और ये तुम बोर्ड में यूज कर सकता है, इट डजंट मीन तुम ये यूज नहीं कर सकता, कर सकता है वैलिड है ये, कर सकता है हाँ ये वैलिड है, नहीं कर सकता तो हम तुमको करवाता ही है, फिर हम बोलता ना एमसीक्यू में करो, और एमसीक्यू में तो हमारा ऑप्शन से भी कर सकता था बैठा के सीधा, कोई बड़ा बात नहीं, पर ये बोर्ड में भी कर सकता है डोंट वरी इसे, ठीक है ना। तो अगर एन माइनस थ्री एन माइनस फोर कंजुकेटिव है और साइड वाला भी कंजुकेटिव बन रहा है तो तुम वही डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो और पहला वाला कंपेयर कर दो खत्म, वो डाउट नहीं तो कितना आसानी से निकल गया उधर को, क्वाड्रिक बना टाइम वेस्ट हुआ समझा, तुम कोई भी उठा सकता था, हम एन माइनस टू उठाया तुम एन एन माइनस फोर भी उठा सकता था, डन तुम क्रॉस चेक कर लेना बैठा के आता है नहीं आता है, 10 − 4 = 6 ही आ रहा है कोई डाउट, उतार लिया एक और कहता है एन पी 4 बाई एन माइनस 1 पी 4 बताना चाहिए मैं एन पी 4 बाई एन माइनस 1 पी 4 ये 12 का 1 नंबर था ना नंबर 2 एन पी 4 बाई एन माइनस 1 पी 4 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5/3। और देखो क्वेश्चन में अगर नहीं भी बोलता ना एन ग्रेटर देन 4 तो भी तुमको पता है एन का वैल्यू 4 से बड़ा ही होना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पता चल रहा है एन माइनस 1 ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकता है तो एन कितना होना पड़ेगा 5 तो होना ही पड़ेगा, तो ऑब्वियस बात है एन इज़ ग्रेटर देन 4 गुड आउट, क्योंकि जब यहाँ 4 बैठा था 4 − 1 = 3 बन जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, समझ गया। तो ये क्वेश्चन में नहीं भी बोलता तो ऑब्वियस बात है एन को 4 से बड़ा होना पड़ेगा, हम वही ट्रिक अपनाता है, ये क्या बनेगा एन एन माइनस 1 हो गया एन माइनस 2 एन माइनस 3 चार बार तक जाएगा, सेम एन माइनस 1 से स्टार्ट करता है चार बार तक एन माइनस 1 देख लेते हैं एन माइनस 2 एन माइनस 3 और चौथा बार में एन माइनस 4 ठीक है ना स्वयं। हेलो हाँ सर एन माइनस 1 एन माइनस 1 ये कट गया, जो बच्चा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा 3n इक्वल टू 5n माइनस 20 सो 2n इक्वल टू 20 सो एन इक्वल टू 10 गुड आउट नहीं चेक कर लो उतार भी लो। अरे भैया पता है इसमें ना एनसीईआरटी में देखा इसमें ना राउंड टेबल ये सब वाला क्वेश्चन ही नहीं है, हटा दिया क्या तुम लोग अभी पता नहीं हम पर देखा राउंड टेबल वाला क्वेश्चन ही नहीं दिखा मेरे को, कोई बात नहीं देख लेगा हम बता देगा बोर्ड्स में जेई तुम लोग जेई में चाहिए नहीं चाहिए वो देख लेना, वो चाहिए राउंड टेबल भी चाहिए फिर आपका है ना और भी चाहिए डिक्शनरी वाला भी चाहिए, इसमें डिक्शनरी भी नहीं है शायद देखना पड़ेगा, हटा दिया हम लोग का समय तो था भाई, हमको लग रहा है रेशनलाइज कुछ ज़्यादा ही कर रहा है सीबीएसई रेशनलाइज कुछ ज़्यादा ही कर दिया
अगर किया तो, ये तो पुराना पीडीएफ ही डाउनलोड किया मेरे पास। तुम लोग अपना बुक से मैच कर लेना रे, अपना बुक खोल के देखो देख भैया, ला, देखो तो पुराने वाले बुक में है क्या, एक ये बार पुराना राउंड बुक ही है, टेबल वाला है क्या, देखो ना एक बार, दिखाना कितना पुराना वो भी हमको मालूम नहीं। नहीं बस स्क्रीन दिखाना ना आपका वाला राउंड टेबल कितना, 5 नहीं होगा, 0.5 नहीं होगा, नहीं है, ये इसमें देखो भी नहीं, गार्डन वाला ये सब है ही नहीं, नहीं इसमें भी नहीं है, ना तो चाहिए था हम लोग का समय तो था। दिखाना ऊपर दिखाना, एक बार ऊपर दिखाना, एक ये सब क्वेश्चन है ये सब तो इजी है। हाँ तुम लोग का बुक में भी है ये सब क्वेश्चन, ये सब तो है भैया, देख लो भाई। सर अच्छा क्लास खत्म हो गया क्या? नहीं आप बोल रहे ना लास्ट क्वेश्चन है, हम ये नहीं बोला लास्ट क्वेश्चन है, आप बोल रहे ना फिर क्लास खत्म करके करा के, हम ऐसे नहीं बोला, हम बोला थोड़ा रुक जाओ खत्म होने वाला, पर हुआ नहीं है। अच्छा ये बोला था क्या, बोला था ये लास्ट, हम तो लीव करने वाला था। हम लोग का तो बहुत रेशनलाइज कर दिया, इतना नहीं करना चाहिए। हाँ है भैया ये सारा है, चलो ठीक है, ये देखो भी ये वाला देखो फटाफट, फाइंड आर सर्च दैट 4 PR इक्वल टू 6 P 5 6 PR-1। अब इसमें तुमको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा क्योंकि तुमको आर पता नहीं है तो कितना तक लेगा, समझ रहा ना? तो इम्प्लाइज 5 फैक्टोरियल 4 by फैक्टोरियल 4 - R इक्वल टू 6 × फैक्टोरियल 5 by फैक्टोरियल 5 - R - - +1। गुड आउट। अब देखो हम फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं, वेट सॉरी वेट ऐसे ना, हाँ हम फैक्टोरियल 5 का जगह क्या लिख सकता है, 5 फैक्टोरियल 4 लिख सकता है, नो हाँ प्रॉब्लम। और देखो अब तुम देख सकते हैं बोथ साइड 5 फैक्टोरियल 4 5 फैक्टोरियल 4 कट गया, कोई प्रॉब्लम ठीक है ना? अच्छा अब तुम देखो वन मतलब बाई ये पूछा था मेरे को, फैक्टोरियल 4 - R, एक बार देख लो फिर हम बता रहे हैं, एक बार देख लो फिर हम आ रहे हैं, इक्वल टू ठीक है 6 by। अब वैसे बात है 6 - R बड़ा है तो हम 6 - R को जब ब्रेक करेगा क्या बनेगा, 6 - R फिर -1 हो जाएगा तो 5 - R फिर -1 हो जाएगा तो 4 - R, चेक करो आया ना, आया हमें एक एक घटाया 6 - R में, तो -1 कटेगा 4 - R तक पहुंच गया, देखो ये और ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 6 - R × 5 - R = 6। अब बताओ क्या 6 - R और 5 - R कंजुकेटिव है ना? हाँ है, क्या 6 को भी कंजुकेटिव का मल्टीपल में हाँ ब्रेक कर थ्री और सकता टू, है? थ्री और टू उल्टा ले जाऊँ 3 × 2, यहाँ से क्या पता चला? क्या बताओ आर का वैल्यू 6 - R = 3 इम्प्लाइज आर क्या होगा, 3 आएगा, कोई डाउट? चेक करो क्लियर। अब तुम बोल सकते हो सर बुक में तो 8 और 3 दोनों है, कौन सा बुक में देखो 8 और 3 दोनों है, हाँ अब बुक जाए बाहर में, नहीं बुक एक चीज़ एरर कर दिया, तुम देख सकता है, हम बोला ना क्वेश्चन में मेंशन ना भी हो तो भी तुम ध्यान देना, हाँ उन लोगों ने वो कर दिया 4 PR एंड 5 PR - 1, हमको पता है एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, मतलब 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, हाँ मतलब आर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 4, तो क्या आर इक्वल टू 8 पॉसिबल होगा?
नहीं और भैया ऐसे भी लोग क्वाड्रेटिक लगा दिया, दो आंसर तो आना ही था इनके आना ही पास। था, पर ये लोग ओमिट नहीं किया, लास्ट में ओमिट भी करना था तो कुछ एरर रही है, ठीक है ना। हाँ ये तुम बोल सकते हो प्रिंटिंग एरर जो भी बोलो, लास्ट में इन लोगों लिखना चाहिए था जो आर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 4, सो आर इक्वल टू 3 ओनली। तो यही हम बोल रहा है कि ये जो आर लेस देन इक्वल 4 है, ये कंडीशन क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी हो सकता है, जैसे ऊपर मेंशन था एन ग्रेटर देन 4, जरूरी नहीं है। तुमको क्वेश्चन देकर खुद ही समझना पड़ेगा जो आर का मिनिमम वैल्यू क्या है या मैक्सिमम वैल्यू क्या है। गुड आउट, इस मेथड से तो को डायरेक्टली आंसर आ जाता है, क्वाड्रेटिक का तमझा में नहीं है। गुड आउट, पक्का? चलो ये नेक्स्ट क्लास कर लेगा टुगेदर वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डन, ओके सर।